उसका बचपन भी अजीब था। उसके खिलौनों में गोली बंदूक हुआ करती थी। डरना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, देशभक्ति का जुनून उसे सोने ही नहीं देता था। और बस फिर क्या था, दिलो दिमाग में तय कर लिया था उसे एक फौजी ही बनना है। जब आप इस जांबाज की कहानी सुनोगी तो फिर आप भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगी। वो चाहता तो अच्छी सैलरी वाली नौकरी कर सकता था, लेकिन भारत माँ के उस बेटे ने इसके बदले चुना एक ऐसा काम जहाँ हर रोज हर कदम पर उसका वो काम बलिदान मांगता था, जहाँ आपके शौर्य और पराक्रम की कदम कदम पर अग्नि परीक्षा ली जाती थी। और इससे इत्तेफाक ही कहिए या कुछ और, वो वीर सपूत इस धरती पर आया भी तो एक देशभक्ति वाले दिन। जी हाँ, 26 जनवरी 1982 दक्षिणी सिक्किम जिले के नामची तहसील में एक माँ अपनी कोख से एक बब्बर शेर को जन्म देती है, जिसे नाम मिलता है संजोग सेत्री। संजोग के पिता का निधन तब हुआ जब बहुत छोटे थे, इसलिए उनका और उनकी बहन संगीता को संजोग के पिता के बड़े भाई ने गोद लेकर ही उनका पालन पोषण किया था। लेकिन उन्हें कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। संजोग सबसे हटकर था। उन्हें बचपन से ऐसा काम करना था जिसमें हर रोज वो मौत को मात दे सके। और फिर क्या था, लग गए रात दिन एक करने में। कड़ी मेहनत के आगे भला कोई टिक पाया था। मात्र 19 वर्ष की आयु में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली थी। उस जांबाज की एनर्जी का कोई जवाब नहीं था। उनका जोश और जज्बा देख उन्हें सेना के विशेष दल पैरा कमांडो के लिए चयनित भी कर लिया था। ये 9 पैरा एसएफ फोर्स थी। इसमें एक से एक शूरवीर अपनी बहादुरी, अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का इतिहास लिए बैठे थे। संजोग क्षेत्रीय समझ चुके थे कि जिस राह पर वो चल पड़े हैं वो इतनी आसान होने वाली नहीं है। पैरा स्पेशल फोर्स ऊपर से 9 पैरा एसएफ थी, लेकिन संजोग तय कर चुके थे यहाँ से निकलने के बाद संजोग क्षेत्री पैरा ट्रूपर या पैरा कमांडो संजोग क्षेत्री बन चुके थे। संजोग की यूनिट 9 पैरा एसएफ जम्मू कश्मीर में तब से ऑपरेटिव है जब से वहाँ आतंकवाद ने पनपना शुरू ही किया था। मतलब 1980 के आसपास से ही यह यूनिट आतंकियों के लिए काल बनी हुई थी। आतंकी इस यूनिट के नाम मात्र से ही थर थर कांपते थे। और आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। रोजाना की तरह ये यूनिट अपना काम कर रही थी। गर्मियों के दिनों का एक सामान्य दिन था। हर रोज की तरह संजोग और उनकी यूनिट तैयार थी। उन्हें किसी तरह इनपुट मिला कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। फिर क्या था, तारीख थी 22 जून 2003, जगह राजौरी सेक्टर का सुरंगकोट इलाका। इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया था। रेड जोन मतलब ऐसी जगह जहां आतंकियों की तादाद काफी ज्यादा हो। और इस तरह 9 पैरा फोर्स को टारगेट मिला कि दुश्मनों का सफाया किया जाए। संजोग और उनकी टीम रात भर जागकर उन इलाकों में तलाशी लेती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एकदम सुनसान जंगल था, लेकिन अगले ही पल घने अंधेरे से हल्की सी हरकत महसूस हुई। टीम संभल पाती तब तक सैकड़ों गोलियों की बौछार उन पर आ पड़ी थी। लेकिन यह भी तय था कि ये जांबाज कोई शादी अटेंड करने नहीं आए थे, अब पिक्चर के लिए थी। ये आतंकी थे जो छुपकर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। 9 पैरा की टीम के जवान पेड़ और पत्थरों की आड़ लेकर अपने आप को महफूज कर गए, लेकिन फायरिंग इतनी हैवी थी कि ज्यादा देर उनका ये कवर काम नहीं आ रहा था। फायरिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जवान अपना सर तक नहीं उठा पा रहे थे। अब तक पैरा कमांडो संजोग क्षेत्री भी ये समझ चुके थे कि यहाँ छुपकर ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाएंगे। और फिर क्या था, अपने वतन को याद कर संजोग ने एक बड़ा ही साहस भरा कदम उठा लिया। अब उनकी निगाहें केवल और केवल आतंकियों को ढूंढ रही थी। अब उन्हें मौत सता नहीं रही थी। वो उस गुफा की ओर आगे बढ़ते चले गए जहाँ आतंकी छुपे हुए थे। क्षण भर में ही गोलियों की बौछार के बीच संजोग गुफा के एकदम करीब पहुंच चुके थे। और फिर अपने हाथों से उस गुफा में ग्रेनेड डाल दिया था। जोरदार धमाका हुआ, अब बाजी पलट गई थी। अब आतंकी जिंदगी के लिए मिन्नत मांग रहे थे। सीधी फायरिंग में दो आतंकियों का खात्मा कर दिया था, लेकिन अब भी
दूसरी तरफ से फायरिंग आ रही थी। सामने से आ रही अंधाधुंध गोलियों ने संजोग के शरीर को छलनी छलनी कर दिया था, लेकिन उनके कदम आगे की ओर बढ़ रहे थे। पीछे मुड़ना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। अचानक संजोग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर बेहोश होकर गुफा के मुहाने पर ही गिर पड़े। आतंकियों को लगा कि संजोग छेत्री को उन्होंने मार गिराया। दूसरे खेमे में खुशियां मनाई जा रही थी। संजोग के साथी गम में डूबे हुए थे। वो जमीन पर गिरा था, लेकिन दुश्मन अब भी थर थर कांप रहे थे। उनकी बॉडी पर अब भी वे गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन उन कायरों को ये मालूम नहीं था कि एक भारतीय सेना का जवान और वो भी पैरा कमांडो, उसे गोलियों से रोका नहीं जा सकता। वो तभी रुकता है जब वो अपना काम खत्म कर लेता है, यानी कि दुश्मनों को नेस्तनाबूत कर देता है। आतंकी जैसे ही संजोग के पास पहुंचते हैं, वो झट से खड़े हो जाते हैं और फिर अपना चाकू निकाल देते हैं। ये देख आतंकी खेमे में खलबली मच जाती है, लेकिन तभी संजोग ने एक आतंकी को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे तेज धार वाले चाकू से सलाद की तरह काट दिया था। और जाते जाते दुनिया को ये बता जाते हैं कि वो उस पैरा एसएफ के जांबाज कमांडो है, जो अपने साहस, पराक्रम और बलिदान के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। उनका ये पराक्रम देख सभी साथी जवानों के अंदर जोश भर जाता है। उसके बाद तो उनकी पलटन में एक नया जोश भर गया था, और फिर क्या था, पल भर में ही उन आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया था। इस दौरान एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ा था। जिस ऑपरेशन के तहत ये आतंकी मारे गए थे, उसका नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश, मतलब कि सांप का फन कुचलना। इस ऑपरेशन में लगभग 21 आतंकियों को मार गिराया था, और इस ऑपरेशन का अंत पैरा कमांडो संजोग छेत्री के वीर गति को प्राप्त होने के बाद हुआ। मरणोपरांत पैरा कमांडो संजोग छेत्री को उनके अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए शांति काल के सबसे बड़े वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी बहन संगीता ने लिया। वाकई में भारत माँ के इन वीर सपूतों की वजह से ही आज हम और आप आजादी का आनंद ले पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन वीरों की कहानियों को किताबों में पढ़ाया नहीं जाता, ना पेरेंट्स के पास समय है अपने बच्चों को सुनाने का। यहाँ तक कि इन बहादुर वीरों की कहानियाँ इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। हम बॉलीवुड के नकली हीरोज को देखकर तो खूब ताली बजाते हैं, लेकिन इनकी शहादत पर एक आंसू तक नहीं बहा पाते। गर्व करना तो छोड़ दीजिए साहब, लेकिन जवानों की खूबी पता है आपको। आपकी लाख नजर अंदाजी के बाद भी ये अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। सर्दी गर्मी बरसात, दिन हो या रात, जवान भारत माँ की रक्षा के लिए हर समय तैनात रहते हैं। यूनिक डिस्कवरी टीम भारत माँ की वीर सपूत पैरा कमांडो संजोग छेत्री को नमन करते हैं। ये भारत वर्ष आपके बलिदान का ताउम्र ऋणी रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।